अस्सलाम वालेकुम क्लास एट। क्लास एट आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 1.3, जिसके अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और जो हमने पीछे किया है और एसोसिएटिव लॉ, इन दोनों को आपने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का काम आप क्लास सेवेंथ में कर चुके हैं, तो आपको वेन डायग्राम की नोहा होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल से शो करते हैं। और उसके बाद जितने भी सेट्स होंगे उन सबको हम फिर इसके अंदर ड्रॉ करते हैं। अब जब हम कह रहे हैं एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आपको पता है कि उसमें एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें तीन सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ए, बी और सी। तो उसकी उसको हम इस तरह ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल में, ए सी और ये बी, या ए बी सी, जिस तरह भी आप चाहे नाम रख लें। तो ये इस तरह उसको हम ड्रॉ करेंगे। अब इसके थ्रू हमने आंसर निकालना है, यानी इसे कहते हैं वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम आपको मालूम है कि वेन डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होती है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर, मैं डायरेक्ट आपको फोर करके बताती हूँ, इस वजह से कि इसके अंदर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, तो ताकि आपको ये भी रिवाइज हो जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को पहले टेबुलर में करना है और टेबुलर में करने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अब मैं पहले लिख लेती हूँ क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास। डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन आपको पता है नेचुरल नंबर है जो कि वन से शुरू होते हैं और ऑनवर्ड इनफाइनाइट सेट है। और एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन एंड को। एंड एक्स इज स्मॉलर देन टेन, यानी एक्स टेन से छोटा है, बट इक्वल टू टेन, लेकिन इक्वल भी है। तो यानी इसे टेबुलर फॉर्म में आप किस तरह लिखेंगे, डी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। ठीक है, उसके बाद e इज इक्वल टू, अब देखिए x सच दैट x इज इक्वल टू w। w क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कहां से शुरू होता है, जीरो से। पूरे आगे के नेचुरल नंबर वही हैं, लेकिन सिर्फ इजाफा क्या होता है इसके अंदर, कि जीरो भी शामिल होता है इसके अंदर। एंड एक्स इज स्मॉलर देन एट बट इक्वल टू एट, यानी एट के बराबर भी है। यानी ये कहां से शुरू होगा, जीरो से। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। एंड एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी पी इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, अब उसमें उन्होंने कहा एंड एक्स इज स्मॉलर देन 11 बट इक्वल टू 11। तो आप क्या करेंगे, इसको कहां से शुरू होगा, टू। पता है आपको प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी में नहीं आते, टू थ्री फाइव सेवन नाइन। नाइन होगा, नहीं नाइन नहीं होगा, नाइन कंपोजिट नंबर है, अपने अलावा भी किसी टेबल में आता है। अलेवन, अलेवन क्यों लिया, क्योंकि इक्वल टू अलेवन भी है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसमें ये वाली जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये ले लेते हैं हम। मैं दोबारा इसलिए यहां लिख नहीं रही हूं, वरना आप
कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि फिर जगह नहीं है मेरे पास इस वजह से। तो यानी इसके अंदर सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, सही है, ये मालूम करेंगे। अब हम वेन डायग्राम देख लेते हैं और ये विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आंसर निकालेंगे। आप ये सब लाइंस स्केल से खींचेंगे, डी ई और एफ। अब पहले हम इसके अंदर मेंबर रख देते हैं। अगर हम देखें तो तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, यहां सबसे कम है 2, 3, 5, 7, तीनों में ये कॉमन है 2, 3, 5, 7, जो पोर्शन सब में कॉमन है उसमें मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं डी और ई में क्या कॉमन है, डी और ई 1, 2 यहां लिख दिया हमने, 1, 2 इधर लिख दिया है, 3 भी लिख दिया है हमने, 4, 5 भी इधर लिख दिया है, 6, 7 भी लिख दिया है, 8, ठीक है। ये डी और ई में कॉमन है 1, 4, 6, 8, 1, 4, 6, 8, ये डी और ई में कॉमन है। डी और एफ में क्या कॉमन है, डी और एफ 2, 3, 5, 7, बस यहां कुछ नहीं आएगा, ये वही जो सब में तीनों में कॉमन है वही कॉमन है, यानी इसमें 11 आएगा, 2, 3, 5, 7 यहां आ गया। ई में यहां आएगा 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब यहां आ गए हैं, ठीक है। अब डी का कौन सा मेंबर रह गया, डी का रह गया है 9 और 10। पहले इस तरह नंबर सेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें शो करना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ देखिए, ई और एफ ये है, ये ई और एफ है। अब इसमें कौन सा कॉमन है ई और एफ में, ई और एफ में देखिए ये वाला पोर्शन कॉमन है, बेशक तीनों में कॉमन है लेकिन अगर आप ये देखें तो ये कॉमन है 2, 3, 5, 7, ये वाला पोर्शन कॉमन है। तो यानी हमने इसको, ठीक है, यानी अगर हम डायग्राम से निकालें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2, 3, इस पोर्शन में यही लिखा हुआ था ना, 5, 7, इंटरसेक्शन मालूम करना था, ठीक है। अब हमें मालूम करना है डी यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। उसी तरह डायग्राम बनाएंगे, मैं यही बना लेती हूं ताकि क्लियर आप लोगों को नजर आए, बना लिए। अब इसके अंदर वही सब कुछ लिख देंगे जो पहले हमने लिखा था, 1, 4, 6, 8, ये इन दोनों में कॉमन है और यहां 9, 10 इसमें है, सिर्फ इनमें नहीं है। यहां 2, 3, 5, 7 कॉमन है और 11 यहां अलग है और यहां 0 अलग है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो डी पोर्शन कौन सा है हमारा, डी हमारा ये वाला है, पूरा डी यूनियन करने जा रहे हैं ना, तो हमें पूरे डी को देखना होगा, ये डी है, ठीक है, ये डी है हमारा। और ई यूनियन एफ जो आया वो हमारा ये वाला पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन आया ई यूनियन एफ
सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ हमारा ये वाला पोर्शन आया, सही है। तो यानी इसका मतलब हुआ, ठीक है, आप मेंबर निकाल लेते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं, इससे ही इसका आंसर निकलेगा आपके पास 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. डी यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, इसका ये वाला आंसर आया, यानी ये। अब इसका मतलब योर डी यूनियन ई इंटरसेक्शन डी यूनियन एफ, ये भी हमारे पास यही आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, अगर यही आएगा तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है और हमने काम ठीक किया है, सही है। अब मैं इसे मिटा देती हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, सिर्फ ये वाला आंसर लिखा रहने देती हूं। अब ये डायग्राम्स ऐसा करती हूं, ये डायग्राम ये यहां ये वाली रहने देती हूं, ये वाली मिटा देती हूं और इसको ऐसा करती हूं और छोटा कर लेती हूं ताकि मुझे जगह उधर मिल जाए। आपके पास तो पूरा पेज होगा तो इत्मीनान से कीजिएगा। अब हम ये वाला पोर्शन करने लगे, ये ठीक है। अब इसमें हमने पहले मालूम करना है डी यूनियन ई, ठीक है, वही आपने डी ई एफ यूनियन, या हमारे पास क्या कॉमन था 2, 3, 5, 7, 11 यहां था, यहां 0 था और इसमें हमारे पास 1, 4, 6, 8 कॉमन है और यहां हमारे पास था 9 और 10, ठीक है। अब इसमें हमें दिखाना है डी यूनियन, देखिए सब में इस तरह अंदर लिख दीजिएगा, मैं उधर लिखना भूल गई थी, डी यूनियन ई, ये मालूम करना है हमने। अब डी यूनियन ई, यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन, यानी देखिए डी पूरा ये वाला है और ई पूरा ये वाला है, यानी इस पूरे को आपने ठीक है अच्छा अब देख लेते हैं। अब आपने डी यूनियन एफ मालूम करना है, इसको फिर मैं यहां कर देती हूं डी यूनियन एफ को। अब आपने मालूम करना है डी यूनियन एफ, डी ये वाला पूरा है और एफ ये वाला पूरा है, ठीक है अच्छा। अब मैं इसके मेंबर इससे निकाल के यहीं कहीं लिख रही हूं, यहां इसके नीचे लिख, यहां लिख देती हूं डी यूनियन ई, क्या बनेंगे बताइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है अच्छा। अब यहां देख लेते हैं क्या बनेंगे आपके पास, मैं यहां लिख रही हूं क्योंकि नीचे कैमरे में आएगा नहीं, डी यूनियन एफ, देखिए क्या आ रहा है आपके पास, 0 नहीं आ रहा इसमें क्योंकि 0 नहीं होगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन 11 आएगा क्योंकि D यूनियन F है ना, ठीक है सही है अच्छा। अब हमें मालूम करना है इन दोनों का, यानी इस डायग्राम का और इस डायग्राम का इंटरसेक्शन, इस डायग्राम का और इस डायग्राम का इंटरसेक्शन, सही है अच्छा। अब मैं ऐसा करती हूं, यहां बनाते हैं। अब
हफ्ते के डी यूनियन ई हमारे पास ये है, ठीक है, और डी यूनियन एफ हमारे पास ये है। अब इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन कॉमन है। अब यानी इसमें ये देखिए, इसमें कॉमन देखना है हमने, ये पूरे मेंबर जो हैं ये इधर चेक करने हैं, इनमें इंटरसेक्शन लेना है ना, इनमें चेक करना है कि क्या कॉमन है। तो अगर आप देखें, अंडरलाइन से समझाती हूं, देखिए 9 यहां है, 9 यहां पर भी है, 10 यहां है, 10 यहां पर भी है, 1468 यहां है, 1468 यहां। ये आपने नहीं करना, या ऐसे कीजिएगा कि गंदगी ना हो, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूं। और ये वाला पोर्शन है ना, ये भी यहां कॉमन है, लेकिन ये वाला पोर्शन वहां नहीं है, है ना। आप देखिए कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन पूरा यहां है, ठीक है, ये पूरा देखिए, पूरा डी यहां पर पूरा है, ठीक है। तो यानी इसको ले लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन यहां नहीं है, उसके बाद ये देखिए ये वाला पोर्शन यहां है, यहां नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो बस ये वाला पोर्शन जो है ये दोनों में कॉमन है, ये वाला पोर्शन देखिए ना, हाथ रखेंगे, है ना, और कॉमन तो है दोनों में, लेकिन यहां तो कोई मेंबर ही नहीं ना, ये वाला पोर्शन उसमें नहीं है, और ये वाला वो वाला ये यहां जो है ये पोर्शन है ये इसमें नहीं है। तो सिर्फ कॉमन ये वाली चीज है, ये है ना, यानी इसको हम शेडेड करेंगे, सही है। अच्छा, अब इसके मेंबर लिखिए, यहां लिख रही हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए इससे देख के लिख रही हूं ना मैं, यानी इसका आंसर ये आया और इसका आंसर ये आया, ये वाला जैसे मैं बॉक्स में कर रही हूं, ये इसका आंसर है और इसका आंसर ये वाला है, ये देखिए सेम है दोनों, 1 to 10 है, ये भी 1 to 10 है। तो हम इसके बाद लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यानी हमने डायग्राम से प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। आई बात समझ में? अब देखिए ये तो मेरे पास, मैं मसला ये था कि मैं एक पोर्शन को मिटा भी नहीं सकती थी, फिर आपको अप्रूव कैसे करती कि ये देखें ये इसमें आ रहा है तो ये इसमें भी आ रहा है, नहीं कर सकती थी ना। देखिए ये यही पोर्शन आ रहा था ना, ये कौन सा, ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था, किसका आंसर था, डी यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी पिक्चर ये वाली थी, है ना, और डी यूनियन ई ये यहां आप इसके अंदर लिखेंगे डी यूनियन ई इंटरसेक्शन डी यूनियन एफ, इसकी पिक्चर ये वाली है। तो देखिए सेम आ गया आंसर डायग्राम से, तो फिर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब ये आप पूरा इस तरह वर्टिकली सीधा काम कीजिएगा, इसको इस तरह कीजिएगा कि एक पेज पर लेफ्ट हैंड साइड पूरा कीजिएगा विद डायग्राम, और फिर दूसरे पेज पे सामने ही बिल्कुल, यानी आपने सामने वाले पेजेस लीजिएगा, राइट हैंड साइड पूरी कीजिएगा प्रूफ, लेकिन कोई सी डायग्राम आपने छोड़नी नहीं है, डायग्राम पूरी आनी है। जब भी मैंने यहां मिटाई नहीं है, नहीं यहां पहली वाली तो मैंने मिटा दी थी, मुझे मिटानी यूं पड़ी कि फिर मेरे पास तो बोर्ड पे जगह ही नहीं थी बनाने के लिए। आ रही है आपको बात समझ में? तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब आपने इसी तरह प्रूफ करने, और इसके बाद आपने
एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 ये भी आपने पूरी करनी है। अस्सलाम वालेकुम।